नमस्ते भाइयों और बहनों, आप सबका कोर एस्टेट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं आपकी आर्किटेक्ट एंड रियल एस्टेट कंसल्टेंट सिमरन गुप्ता। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपने लिए एक अच्छा घर ढूंढ रहे हैं। इस बिल्डिंग में जो कि ग्राउंड प्लस 22 स्टोरी स्ट्रक्चर, इट्स अ रेडी टू मूव इन ओसी रिसीव्ड बिल्डिंग। इस बिल्डिंग में आज हम एक बहुत खूबसूरत 3 BHK का घर देखने वाले हैं। इस घर की क्या खासियत है ये तो हम आपको वीडियो के दौरान बताएंगे, तो वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए। हम रियल एस्टेट के काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियोस डालते हैं गाइस, तो अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब अस। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ऑन इंस्टाग्राम, इट इज़ code_estate। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। के अपार्टमेंट की पहली खासियत है प्रिवेसी। एक फ्लोर पे सिर्फ एक अपार्टमेंट है, तो इस 22 स्टोरी की बिल्डिंग में आपके 20 3 BHK के अपार्टमेंट्स हैं। टॉप के 2 फ्लोर्स आर पेंट हाउसेज। इट हैज़ अ ब्यूटिफुल स्काई लॉन्च जो कि आपका 24th फ्लोर पे बना हुआ है। लिफ्ट पूरे 24th फ्लोर तक जाती है। सेकेंड USP है कि इस फ्लोर पे आपको मिलता है एक पॉकेट टेरेस। लेट्स गो एंड चेक आउट द पॉकेट टेरेस गाइस। लुक एट दिस गाइस, हर फ्लोर पे आपको मिलता है ये पॉकेट टेरेस एंड व्यू देखिए कितना खूबसूरत है। 180 डिग्री सी व्यू आपको सीलिंग तक दिखता है। आई लव बांद्रा, इट्स सच अ नाइस एंड अ पॉजिटिव लोकेलिटी। हसल एंड बसल, नाइस कैफे, रेस्टोरेंट्स, बार, इट्स सो वाइब्रेंट। नाउ इट्स टाइम टू गो एंड चेक द अपार्टमेंट। आपके अपार्टमेंट के अंदर आ चुके हैं। इस अपार्टमेंट की खासियत है इस अपार्टमेंट का साइज। इट्स अ 1600 स्क्वायर फीट कार्पेट एरिया 3 बेड अपार्टमेंट, जहां पे आजकल बिल्डर्स 900 स्क्वायर फीट, 1100, 1200 स्क्वायर फीट के 3 BHK अपार्टमेंट्स बना रहे हैं। वहां पे हम आपको दिखा रहे हैं 1600 अप्रॉक्स स्क्वायर फीट का 3 बेड अपार्टमेंट। सारे बेडरूम्स में अटैच्ड बाथरूम है। आपको मिलता है ये खूबसूरत सा नज़ारा, ओपन व्यू। You can see as far as you want to see. There is no interruption. ये जो आप स्कूल देख रहे हैं, this is Saint Joseph Convent School. It's a heritage structure, तो यहाँ पे कभी भी कुछ भी नहीं आएगा। दूर अगर आप देखेंगे तो आपको सीलिंग भी दिखता है। तो घर की रोशनी देखिए, this is the 4th USP, the brightness of the apartment. The 5th USP is that it is open on all sides. जब मैं आपको पूरे लेआउट का टूर दूंगी तब आपको मालूम पड़ेगा ये घर कितना खुला हुआ है। चलिए पहले मैं आपको घर का लेआउट समझाती हूँ। हम अभी सेंट्रली लोकेटेड लिविंग रूम में हैं। जस्ट मेरे सामने है लार्ज फ्रेंच विंडो दैट गिव्स यू पिक्चर लाइक व्यू ऑफ मुंबई सिटी। वी आर इन बांद्रा इन एन अपस्केल लोकेलिटी। लिविंग रूम के इस तरफ आप सोफ़ा सेट रख सकते हैं, उस तरफ आपका डाइनिंग टेबल आ सकता है। सोफे पे बैठने वाले लोग साउथ मुंबई का स्काईलाइन बहुत अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। इट लुक्स सो गॉर्जियस फ्रॉम दिस स्पॉट। आप चलिए मैं आपको लेआउट के बारे में बताती हूँ। एट द एंट्रेंस यू हैव योर किचन एंड योर हाउस हेल्प एंट्री एग्जिट। सो दिस इज द एंट्री एग्जिट ऑफ योर हाउस हेल्प। दिस इज द किचन। ये जो है ये आप इसे बेवरेज रूम बना सकते हैं या फिर आप स्टोर रूम बना सकते हैं, नहीं तो हाउस हेल्प का एक क्वार्टर बना सकते हैं, नहीं तो आप चाहे तो उसे स्टडी रूम में भी यूटिलाइज कर सकते हैं। इस 3 BHK के अपार्टमेंट में 4 बाथरूम है। दिस वन दैट यू सीइंग, दिस इज द पाउडर बाथरूम। ये आपके गेस्ट यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आता है पहला बेडरूम। देयर इज एब्सोल्युटली नो वेस्टेज ऑफ स्पेस। आपको दिख रहा होगा इस पूरे घर में पैसेजेस नहीं है। देयर इज नो वेस्टेज। ये एक बहुत स्पेशियस कमरा है। इस कमरे के साथ अटैच बाथरूम है एंड उस तरफ विंडो है दैट गिव यू अमेजिंग व्यू। इस घर के बैक साइड में अलमीरा पार्क है, तो यहाँ पे भी गारंटीड अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यू होगा, कभी भी ब्लॉक नहीं होगा। इट्स रियली प्लेजेंट टू बी इन दिस लोकेलिटी एंड नाउ आई एम वॉकिंग यू टूवर्ड्स द मास्टर बेडरूम। तो इस तरफ आपके दो और कमरे हैं। ऑन द राइट साइड यू हैव वन बेडरूम एंड ऑन द लेफ्ट साइड यू हैव द अदर वन। लेट्स फर्स्ट चेक आउट दिस वन। इस
घर की खासियत है गाइस द फिटिंग्स. यहाँ पे आप देख सकते हैं टफ एंड ग्लास का पैरापेट है. दीज आर योर साउंड प्रूफ स्लाइडिंग विंडोज एंड उस तरफ है अटैच बाथरूम. बाथरूम के साइजेस भी काफ़ी अच्छे हैं. आप वहाँ पे शावर क्यूबिकल बना सकते हैं. प्लम्बिंग लाइन को आपको जैसे घुमाना है आप वैसे घुमा सकते हैं, क्योंकि आपको जो मिलेगा दैट विल बी अ बेयर शेल अपार्टमेंट. तो उसे आप अपनी तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं. आपकी फैमिली के जो भी नीड्स हैं, रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आप उसे बना सकते हैं. जब आप इस तरफ आते हैं, दिस इज़ द मास्टर बेडरूम. व्यू देखिए, इट इज़ सो प्लेजेंट, सो नाइस. दैट इज़ द ओल्ड हेरिटेज स्ट्रक्चर जिसके बारे में मैं बात कर रही थी. जैसे ही आप सो के उठेंगे, यू आर ग्रीटेड बाय दिस अमेजिंग एंड गॉर्जियस पिक्चर लाइक व्यू. इस तरफ है आपका अटैच बाथ एंड टॉयलेट. चलिए बाथरूम देखते हैं. मैं 3 BHK के अपार्टमेंट को डेफिनेटली शॉर्टलिस्ट करूंगी. मैंने आपको रीजंस बता ही दिया है. सबसे पहला रीजन है इस अपार्टमेंट का साइज. आजकल 1600 कार्पेट एरिया का 3 बेड कौन बनाता है? मोस्ट ऑफ द डेवलपर्स दीस डेज आर मेकिंग मैच बॉक्स होम्स. सेकंड रीजन है प्राइवेसी. एक फ्लोर पे एक ही अपार्टमेंट है. आई हैव नो नेबर्स. थर्ड इज द क्यूट पॉकेट टेरेस दैट आई गेट ऑन माई फ्लोर. द फोर्थ रीजन इज द ओपननेस. इट इज ओपन ऑन ऑल sides. And the fifth and my favorite reason is this gorgeous sea view. The sixth USP is the cross ventilation. Because apartment is open on all sides, the flow of air is amazing. Ceiling height bhi kaafi achhi di hai developer mein. 10.5 feet ki ceiling height hai. तो आपको और ग्रैंड फील होता है इन दिस अपार्टमेंट. प्लस सारे बेडरूम्स में अटैच्ड बाथरूम है. आपको पाउडर बाथरूम भी मिलता है एंड इट हैज़ अ ब्यूटीफुल स्काई लाउंज. गाइस, इस प्रॉपर्टी के सारे डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ. यू कैन गो थ्रू इट. आपको अपना इंस्पेक्शन शेड्यूल करना है, देन यू कैन गेट इन टच विद द सेल्स एग्जीक्यूटिव्स. आई एम पेस्टिंग द कॉन्टैक्ट डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स इटसेल्फ. वी पोस्ट ऑसम रियल एस्टेट वीडियोस गाइस. तो हमारे कोर स्टेट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. हमें रियल एस्टेट के वीडियोस बनाना, आपको दिखाना बहुत पसंद है. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन डू हिट द लाइक बटन. आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर फॉलो भी कर सकते हैं. इट इज़ कोड_एस्टेट. अब मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में. सी यू नेक्स्ट टाइम.